मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, कुंडली में राहु केतु की अशुभ स्थिति, प्रभाव और समाधान। बहुत ही आवश्यक और उपयोगी टॉपिक है मित्रों। अंग्रेजी है उसका, अंग्रेजी मित्रों के लिए अविनाश पोजिशन ऑफ राहु केतु इन होरोस्कोप इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों को लाइक और शेयर जरूर करें और सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बराबर आप लोगों के बीच में लगभग एक वर्षों से 232-233 वीडियो देने के बाद और हजारों लोगों से विश्लेषण और संवाद के माध्यम से मेरा यह अनुभव है, खुद का अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। बहुत से ज्योतिषी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी भी हैं, विद्वान भी हैं, दर्शक मित्र भी बहुत इच्छुक हैं, जागरूक हैं, सब जान रहे हैं ज्योतिष के बारे में। 80% हमने देखा है कि जो ज्योतिषी के पास आते हैं पीड़ित हैं उसमें राहु केतु छाया ग्रहों का प्रभाव ज्यादा, या तो राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है उस व्यक्ति पर, या जिस ग्रह की दशा चल रही है वो राहु या केतु के नक्षत्र में। दूसरी बात मित्रों, जब उस कुंडली को देखा जाता है तो जो नियम और प्रभाव मैं आज बताने जा रहा हूं अक्सर यही प्रभाव कुंडली में दिखाई देता है। कई साध्य प्रयोग करने के बाद भी कोई उपाय काम नहीं करता, ऐसे लोगों पर छाया का पूरा प्रभाव रहता है। जैसे पेड़ की छाया में कोई वनस्पति नहीं पनपती, उसी तरह से राहु केतु से प्रभावित व्यक्ति की हरियाली खत्म हो जाती है, पीलापन आ जाता है, उसके जीवन में खुशहाली खत्म हो, और घर में झगड़े का वातावरण रहता है, संतानहीनता की स्थिति पैदा होती है, पागलपन बढ़ जाता है, घर में एक्सीडेंटल स्थिति बढ़ जाती है और आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक दैवी प्रकोप आदि व्याधि हर चीजें होती हैं और कोई भी निदान या उपाय काम नहीं करता, असाध्य सी स्थिति बन जाती है। और गहन दृष्टिपात अगर कुंडली पर किया जाए तो कुंडली में राहु और केतु का दृष्टि दोष और प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो अगर आप कुंडली देखें, कुंडली हम जन्म कुंडली की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास जन्म का समय नहीं है उनका आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हो, सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। प्रायः बहुत से लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिस समय वो आते हैं उस समय राहु का नक्षत्र ही रहता है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहता है, और सोचिए कि कितना सही है ज्योतिष, ये दैव शास्त्र कितना सही है कि किस तरह से संकेत देता है। तो मित्रों अगर ये स्थिति है तो निम्नांकित दोष पैदा होते हैं। राहु केतु से केंद्र में, राहु केतु की ज्योति में और राहु केतु के खड़ाष्टक, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 ये ज्योतिष के बेसिक नॉलेज में आप पढ़े होंगे। राहु केतु से केंद्र अर्थात राहु अगर यहां है तो केंद्र स्थान, राहु अगर लग्न में है तो 1, 4, 7 और 10। इसी तरह से जिस भी राशि में है वहां से एक गणो, उसके बाद चौथा गणो, फिर सातवां गणिए, फिर दसवां गणिए, इस तरह से आप पहुंच जाएंगे। राहु केंद्र से केंद्र हो गया और राहु केतु की ज्योति में, ज्योति का मतलब उनके साथ बैठे हुए ग्रह, ज्योति को मित्रों आप 6 अंश तक ही लीजिए। राहु और केतु से जो ग्रह युत है, जिसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर प्रभाव देख रहे हैं, वो 6 अंश, केंद्र भी 6 अंश पर ही लीजिए आप, क्योंकि 6 अंश से अधिक जो जो दूरी बढ़ती जाएगी वो प्रभाव घटता जाएगा। खड़ाष्टक योग उसको कहते हैं कि 1 से 8वें दूसरा ग्रह, जैसे राहु मान लीजिए आपका
यहां बैठा हुआ है, तो इससे एक दो तीन चार पांच छह अगर छठवें ही कोई ग्रह बैठा है सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति तो ये खडाष्टक योग होता है, अर्थात राहु से तो छठवें ग्रह हुआ लेकिन इससे आठवें राहु हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसको खडाष्टक योग कहते हैं। यह योग बड़ा हानिकारक होता है, तो केंद्र हो युति हो खडाष्टक योग हो और काल सर्प योग हो। काल सर्प योग के बारे में बहुत आप सुने हो, जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं एक तरफ हो जाते, मान लीजिए यहां राहु है और यहां केतु है, एकदम सीधाई पर दोनों बैठते हैं 180 अंश की दूरी पर, तो यहां राहु है यहां केतु है, अब एक तरफ ग्रह हो गया इधर हो गया, तो इधर अगर हुआ तो ये राहु के मुख में होगा क्योंकि उल्टा चलते हैं तो मिथुन से वृष में मेष में मीन में यहां जाएगा, और इधर अगर बैठे हुए ग्रह है तो केतु से बन जाता है काल, केतु वाला कुछ हल्का होता है, राहु जो सर्प का मुख है उसका कुछ कठिन, इस पर विस्तार से चर्चा कई बार। तो काल सर्प योग यह स्थिति जब बनती है और राहु से केंद्र युति और दृष्टि में खडाष्टक में जो ग्रह होते हैं उनका व्यक्तिगत जो नेचर होता है स्वभाव गुण होता है जिन भावों के कारक होते हैं उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे बृहस्पति है राहु से केंद्र में या केतु से केंद्र में, तो बृहस्पति एक तो संतान का कारक ग्रह है, दूसरे विद्या का कारक, संतान और विद्या उस व्यक्ति की बाधित हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने यहाँ थोड़ा नोटिंग दिया है, आप पढ़िएगा, बृहस्पति संतत विद्या का कारक है, मंगल से सम्मान का कारक ग्रह है, भूमि का कारक है, भवन का कारक ग्रह है, तो अगर मंगल से यह दोष पैदा होता है केंद्र ज्योति या खराष्टक काल सब योग सर्वथा अलग है मित्रों, वो तो सब पर प्रभावी होता है और अभी उस पर विस्तार से चर्चा करते, हम केवल केंद्र ज्योति और खडाष्टक योग की बात कर रहे हैं। अगर यह युति राहु केतु से केंद्र युति या खडाष्टक योग मंगल से हो तो मान हानि वास्तु दोष ये होता पैदा, चंद्रमा से हो तो बीमार होता है आदमी, प्राय बीमार रहता है और पागलपन हो जाता है, बुध से हो तो बुद्धि भ्रम हो जाती है और तमाम व्याधियां, व्याधि आदि उसको कहते हैं जो दवा से एक दवा बीमारी छोड़ती है दूसरी पकड़ लेती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सूर्य से अगर ये स्थिति हो तो मानसिक आत्मिक अधः पतन होता है, मतलब वो आदमी नैतिक रूप से गिर जाता है, आत्मा से गिर जाता है, उसके पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं रहता थी, हृदय नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, वो उल्टे सीधे काम करता है, बहुत निंदित हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। ये शुक्र से अगर ये स्थिति बनती है तो शादीशुदा जिंदगी में शिकायतें आती हैं, वीर्य दोष आता है, नपुंसकता आ जाती है, तमाम चीजें आ जाती है शुक्र से संबंधित। शुक्र धन का कारक ग्रह है, आर्थिक विपन्नता भी आ जाती है, इस भौतिक युग में हमेशा शुक्र से भौतिकता देखी जाती है। और शनिश्चर से अगर ये योग बनता है तो शनिश्चर दुर्घटना से मृत्यु और अपमृत्यु आदि देता है, यह तो ग्रहों से हुआ सातों ग्रहों से, लेकिन अगर किसी भावेश के साथ यही दृष्टि युति और खडाष्टक योग है तो उस भाव वह भावेश जिन भावों का कारक है और कार्येश है भावेश है उन भावों से जो जो चीजें देखी जाती हैं उसमें भी न्यूनता आती है, परेशानी होती है, और मित्रों परेशानी ऐसी होती है कि असाध्य सा प्रतीत होता। तो साथियों इसको हमने देखा अनुभव किया है और शास्त्र सम्मत है, और इसी नाते माननीय स्वर्गीय के एस कृष्ण मूर्ति जी ने इसको अनुभव किया और उन्होंने लिखा था कि नोट्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लेनेट्स, जो दृश्य ग्रह हैं उनसे ये छाया ग्रह ज्यादा शक्तिशाली होते। तो मित्रों उस पर बार बार चर्चा करना उचित नहीं है, आते हैं हम निदान पर, ये चीजें मिलती हैं, ये दोष मिलता है, इस नाते हमने सोचा इस पर अध्यक्ष की मैंने एक वीडियो दिया था लेकिन कहीं कंफ्यूजन था स्पष्ट नहीं था, तो हमने कहा कि स्पष्ट एक वीडियो दें और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमारे साथी जो हैं इसके इसको समझ सकें। जिस तरह से वैदिक शास्त्र में मित्रों औषधि द्वारा आंतरिक दोषों को दूर करके आदमी को स्वस्थ करने का के लिए दवा दी जाती है, उसी तरह से हमारे
ज्योतिष भी द्वयो शास्त्र है, प्रकृति शास्त्र है, नियति शास्त्र है। जो हमारे दोष हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, पाप हैं, अपराध हैं, उसके नाते ये स्थिति कुंडली में बनती है। कुंडली हमारे जीवन का दर्पण होती है और पूर्व जन्म कृत कर्मों का की दर्शक होती है, क्योंकि पूर्व कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। वही फल हम भोगते हैं। संचित वह कर्म है जो हमने पूर्व जन्म में किया है, प्रारब्ध वह है उसी का फल जो हम अच्छा बुरा भोग रहे हैं, क्रियमाण वह है जो आज हम कर रहे हैं। तो हमारे करने में उपाय भी आता है, निदान और समाधान भी आता है। जो चीजें साध हैं निश्चित रूप से वो होती है, उचित ज्योतिषी मिल जाएंगे, उचित कारण मिल जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगी, निदान मिल जाएगा। तो मित्रों आज हम उन उपायों पर चर्चा करेंगे। हम भी बराबर उपाय नियमित बताते हैं, अन्य ग्रहों का निदान हम बताते हैं, बहुत जल्दी लागू होता है, लेकिन राहु कोच से पीड़ित लोग प्राय फोन हमको करते रहते हैं, हम बराबर निदान बताते हैं। हम भी प्राय निदान बताते हैं, काल सर्प योग अगर है तो हम कहते हैं कि इसकी शांति करा ली। साधारण रूप से अगर राहु केतु का प्रभाव हमको दिखाई देता तो कहते हैं कि इतना लाख जप करा डालिए। लेकिन मित्रों साधारण पूजा से या उपवास से जो ये प्रबल योग हैं ये दूर नहीं होते। आप करते रहो ये असाध्य ही बने रहते हैं। अनुभव में आया है और शास्त्र सम्मत भी है कि हमारी काम विधियां जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र संगत है, शास्त्रों में दी गई है, इन विधियों का प्रयोग अगर किया जाए तो 80-90% सफलताएं मिलती हैं, अनुभव में आया है। और उन विधियों का हम वर्णन करेंगे कि काम विधियां जो हैं ये दो ही जगह सफल होती हैं, दो ही पवित्र स्थान हमारे भारत भूमि में है, एक दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र में नासिक में श्री त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है वहां, और एक बिहार में गया। दो जगह पर इस पवित्र भूमि पर अगर काम प्रयोग किए जाए, काम विधियों को किया जाए तो निश्चित रूप से सफलताएं देखी गई हैं, मिलती हैं। लेकिन उसके साथ कंडीशन यही है कि उचित वेद शास्त्र संपन्न, बहुत हर जगह लोग उसी तरह से बैठे हुए हैं, उचित और सही का आपको देखना है, हर जगह रहते हैं अच्छे बुरे लोग, तो सही आचार्य को पकड़िए जो वेद शास्त्र संपन्न हो और विधि पारंगत हो। उससे कहिए कि हमारे ऊपर ये परेशानी है, जो रिकमेंडेड हो ज्योतिषी द्वारा या हमारे द्वारा या आप द्वारा, उस प्रयोग को वहां करावाएं। तमाम लोगों ने ये प्रयोगों को कराया है, मेरे भी कहने से काल सर्प योग का कई प्रयोग मैंने कहा जाके श्री त्र्यंबकेश्वर में या गया कराइए, कई लोगों ने अपना अनुभव बांटा, उनको अच्छे फल मिले। तो इतनी विधियां हमारे शास्त्रों में मिलती हैं और भी हैं। एक तो नारायण नागबली, त्रिपिंडी साध, काल सर्प शांति, महामृत्युंजय जप, संतान गोपाल, पयोव्रत, दुर्गा सप्तशती पाठ, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र और मृत्यु सूक्त हवन, मृत्यु सूक्त हवन, पवमान विधि आदि। इस तरह से मित्रों तमाम काम में प्रयोग हैं, जो जैसा निर्देश मिले अपने आचार्य द्वारा, पंडित द्वारा, ज्योतिषी द्वारा, उसको जरूर कराइए, आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी। दूसरा विषय है मित्रों, मैं सबको दृष्टिगत रखते हुए दो उपाय तो जरूर बताता हूं। एक तो इष्ट देव की उपासना, उपासना में सर्वथा नवीन तरीके से बताता हूं, और उपासना वह इन विधियों से कम महत्व की नहीं है जो तरीका मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा अनुभूत सिद्धांत है, तरीका है वो, तो उसको मेरे वीडियो को देखिए कि अपने इष्ट देव को कहां खोजें, कैसे सिद्ध करें। एक वीडियो मैंने ये दिया है एक डेढ़ महीना दो महीना पहले, और एक वीडियो अभी 15 दिन एक महीना और आ मैंने दिया आपको, सर्वथा इष्टांग बनाने वाला वीडियो। ये दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो इष्ट देव की उपासना का रहस्य क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, यद्यपि तमाम विधियां तमाम तरीके लोगों ने बताया है तो आप करते भी हो, लेकिन मैं उससे थोड़ा हटके बताया हूं, उसको जरूर देख लीजिए, जान लीजिए। और लोगों के अच्छे अनुभव मेरे सामने आ रहे हैं। आज ही दिल्ली के कोई भाई सतीश जी थे,
उन्होंने अपना अनुभव दिया, ऐसे तमाम मित्र बराबर देते रहते हैं और बहुत से मित्र परेशान है नहीं मिलता, फिर पुनः पुनः मैं उनका सहयोग करता हूं। तो मित्रों एक चीज है, और दूसरा रत्न धारण, रत्नों के माध्यम से भी समाधान होता है, निश्चित होता है। ये दो ही उपाय मैं इसलिए बताता हूं कि एक कंडीशन जो यही है कि उचित वेद शास्त्र संपन्न आचार्य, तो आज आपको ये सर्च करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन उचित वेद शास्त्र संपन्न आचार्य है। कह दिया जाए कि लघु मृत्युंजय जप करा डालिए, तो लघु मृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं झुम स, लेकिन ऐसे ऐसे आचार्य मिल जाएंगे जो झपकी लेंगे और ओम झंसो ओम झंसो ओम झंसो करते रहेंगे, झटका मारेंगे जल्दी से जप पूरा हो जाए। ये बड़ी कमियां मिल रही हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। अगर आप उसको विधान से नहीं करोगे, सही भावना से नहीं करोगे, तो ओम झंसो ही हो जाएगा। मित्रों आप समझ रहे हो, विकास मैं मजाक और हंसी नहीं कर रहा हूं। तो इस नाते उचित वेद शास्त्र संपन्न जो आचार्य होंगे वो इसके विधि विधान को जानते हैं, इसके महत्व को जानते हैं, शास्त्र की मर्यादा जानते हैं। इसी नाते आज के भौतिकवादी युग में मैंने केवल दो ही रास्ते अख्तियार किए। बहुत से मित्र कहते हैं रेमडी पर आइए, ने रेमडी बताइए। अरे रेमडी तो हम बता ही रहे हैं, अगर दो ही प्रयोग आप कर लो, इष्ट देव की कायदे से उपासना करके सिद्ध कर लो अपने इष्ट देव को, और उचित रत्न धारण कर लो। हो सकता हमसे गलती हुई हो रत्न धारण में, तो दोबारा हमसे राय लो, फिर हम सर्च करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चूक जो है फिर इधर उधर अप डाउन हो जाती है। तो इस नाते अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी एक बार दवा लिख के आपको इतनी नहीं कर देता है, बल्कि एक दो बार बुला करके समझता है कि क्या एक्ट रिएक्ट उसका हो रहा है। तो मित्रों अगर इतने उपाय किए जाएं तो राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है, और थोड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि शुभ के बाद अशुभ, अशुभ के बाद शुभ, ये काल चक्र आता रहता है। इस नाते 120 वर्ष का जो काल चक्र है, 370 दशा है, इस तरह से दशाएं आती जाती रहती हैं। आपका धैर्य और मनोबल और आत्मबल यही काम करता है। सुख दुख है एक समान, उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। अगर इष्ट देव को आप सिद्ध कर लिए तो बिल पावर बढ़ जाएगा, आपके आत्मा में बल आ जाएगा, आप हर संघर्ष को झेलने के लिए सक्षम हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे। तो मित्रों बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि आप बड़ा लंबा समय खींच लेते हो, व्याख्यान ज्यादा देते हो। वकील मैं जानता हूं कि जो नए लोग होंगे जो पुरानी वीडियो देख रहे हो तो जुड़ जाएंगे जल्दी इस संदर्भ से, लेकिन जो नए तत्काल आए होंगे उनको भी जोड़ने के लिए ये ना ढूंढना पड़े उनको अन्य वीडियो देखा, तत्काल इस प्रसंग से जो चल रहा है इससे वो जुड़ जाए। इस नाते मेरी अपनी ये बाध्यता है और आपकी ये है कि जल्दी से हो जाए, तो इसका कोई फर्क नहीं है। मित्रों हम यही चाहेंगे पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सराहना मेरे वीडियो की हो रही है, जो मित्र मुझे देखते हैं समझते हैं, मैं बहुत अपने आप में संतुष्ट हूं। तो बहुत बहुत अंत में इसको आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः फिर 2-4 दिनों में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।